रोना वो भी आपके साथ है, आपको आप फैमिली है। थैंक यू सो मच जी हमें फैमिली कहने का। और आई वुड लाइक टू थैंक आता भाई कि उन्होंने हमें स्टेज पे आने की दावत दी है, उनका बड़ा शुक्रगुजार हैं हम लोग। ऑब्वियसली देर आर लॉट ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द ट्रिप ऑब्वियसली, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाली नहीं है। थोड़ी सी मैं शॉर्टली इसको जो है वो समराइज करके मैं थोड़ी सी अपनी एक सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, देन आफ्टर दैट हम लोग एक दो और चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी से। आफ्टर दैट मैंने दो बिजनेसेस रन किए हुए हैं जिनमें एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और मुझे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसको मैंने प्रॉफिटेबल बना के मैंने उसको जो है ना वो फ्लिप किया और वो बिजनेस मैंने सेल किया। देन आफ्टर दैट उसके बाद मैंने कुछ ई कॉमर्स का काम किया और उसको भी मैंने बिजनेस को फ्लिप किया। टूरिज्म में मैं आया आतिफ के पुश की वजह से। एक्चुअली जिस तरह से शहरी कह रहे हैं, इब्तिसाम कह रहे हैं, वी आर अ फैमिली। यस वी आर अ फैमिली एंड वी आर मोर देन अ फैमिली, बिकॉज मेरे फैमिली गैदरिंग में आतिफ जो है ना वो शरीक हुआ हुआ है, मेरी शादी में आया हुआ था, हम फैमिली टर्म्स हैं हमारी, तो यस वी आर अ फैमिली। इन सारी चीज़ों के बरकस जो जब मैं टूरिज्म में आया, टूरिज्म में मेरी ये सक्सेस थी विद इन सिक्स मंथ मैंने bookme.pk विच इज़ अ बिगर दैन मतलब एनी कंपनी इन द इन दिस पाकिस्तान राइट नाउ इन टिकटिंग इंडस्ट्री, उनके साथ मैंने MOU साइन किया। इट वॉज अ ब्लडी अ बिग डील फॉर मी टू डील विद दैम, क्योंकि बुकमी जैसी कंपनी मुझे एंडोर्स क्यों करेगी। एक सिंपल सी बात है, मतलब मैं 6 महीने हुए हैं मुझे मार्केट में आए हुए, राइट नाउ नॉट नाइन राइट नाउ, बट जब मैं आया था तो तब मुझे 6 महीने हुए थे, तो 6 महीने में बुकमी जैसी कंपनी मुझे एंडोर्स क्यों करेगी, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। मुझे उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग करने में, उनके CEO के साथ बैठने में, उनकी टीम के साथ बैठने में, उनके साथ बैठने से बहुत कुछ सीखा मैंने, और फाइनली मैंने उस डील को क्रैक किया अल्हम्दुलिल्लाह। आफ्टर दैट आई हैव वन मोर जो है अचीवमेंट, उसमें इकरारुल हसन साहब ने हमारी उसको कंपनी को एंडोर्स किया। देन आफ्ताब इकबाल साहब हैं, आप उनको जानते होंगे डेफिनेटली, उन्होंने हमें एंडोर्स किया, और दिस इज विदाउट एनी आई मीन ये पेड मार्केटिंग नहीं थी, दिस इज लाइक ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे जैसे बंदे को जो है इतना पुश दिया, ये उनकी मेहरबानी है। राइट नाउ मैं उस पॉइंट पे वापस आता हूँ कि हम लोगों ने जब ये ओनली फॉर कपल ट्रिप स्टार्ट किए, जब मैं मार्केट में आया था बेसिकली, तो चूंकि मेरा दो बिजनेसेस ऑलरेडी करने का एक्सपीरियंस था, तो आई नो वेरी वेल व्हाट इज एक्चुअली द कस्टमर पेन। जब तक आप कस्टमर की पेन अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक आप किसी भी तरीके से आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कस्टमर, कस्टमर एंड कस्टमर। तो जब तक आप कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तब तक आप बिजनेस को किसी भी तरीके से सक्सेसफुल नहीं बना सकते। यहाँ पे आने के बाद जब मैंने टूरिज्म को ज्वाइन किया, तो मेरा प्राइमरी फोकस कॉर्पोरेट ट्रिप्स के ऊपर था और कस्टमाइज ट्रिप्स के ऊपर था। ग्रुप टूर्स में मैंने बहुत कम काम किया हुआ है, यस मैंने काम किया हुआ है, लेकिन मैंने बहुत कम काम किया हुआ है ग्रुप टूर्स में। उसकी वजह यह है कि आई थॉट कि जब मैं मार्केट में आया, मैंने रेट्स देखे, मतलब किसी ने 16 का लगाया हुआ है, किसी ने 9500 का लगाया हुआ है, यानी 3 डेज सवात, 3 डेज नरान। अगर अभी राइट नाउ हमारा रेट जो है वो 17500 है, स्टिल जो है कई कंपनीज ऐसी हैं, आप पेजेस स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई 11 में भी दे रहा है, कोई 9500 में भी दे रहा है इवन। तो मतलब मेरी सेंस से ये बाहर था, मुझे बिजनेस करने का चूंकि एक्सपीरियंस था, तो उससे मुझे आइडिया हुआ कि लग्जरी इंडस्ट्री, लग्जरी प्रॉफिट, थर्ड क्लास इंडस्ट्री, थर्ड क्लास प्रॉफिट। तो जब आप एक ये टूरिज्म बेसिकली एक लग्जरी इंडस्ट्री है, और जब आप लग्जरी इंडस्ट्री में आते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कस्टमर जो आपके साथ जा रहा है, आई डोंट थिंक सो कि हम जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, यस मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हर एक की इस्तेदाद अपनी अपनी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई भी 1,10,000 1,20,000 खर्च करके कोई हनीमून ट्रिप जो है ना वो ग्रुप में करना चाहेगा, कभी भी नहीं करना चाहेगा ना मतलब। और अगर एक कस्टमर इतना पैसा खर्च करके एक ग्रुप टूर में हनीमून कर रहे, तो इट मीन्स कि उसकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। आप उसको अगर 55,000 में 48,000 में लेके जा रहे हो, तो यू आर लाइक आप अपने आप को फूल बना रहे हो, आप अपने आप को पागल बना रहे हो। उसकी जेब से आपने बहुत ज्यादा गेट कर सकते थे, लेकिन आपने वो किया ही नहीं, ठीक है। तो माय पॉइंट इज दिस कि जब आप लग्जरी इंडस्ट्री में आते हो, तो यू नीड टू चेंज द माइंडसेट। अगर आप अपना माइंडसेट ही बड़ा नहीं करोगे, अपना माइंडसेट ही चेंज नहीं करोगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आप एक सक्सेसफुल कैरियर
बेशक वो जॉब में हो, बेशक वो बिजनेस में हो, बेशक वो किसी भी मार्केट इंडस्ट्री में हो, आप एक सक्सेसफुल करियर आई डोंट थिंक सो कि आप बना सकते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी बंदा इससे डिसएग्री कर सकता है। सो जो नई प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का जो वो था चीजें थी, ग्रुप टूर भी हम लोगों ने इस वजह से किया, उसको भी हमने शिफ्ट किया और रेट्स को हाई रखा, हमसे भी हाई है मार्केट में रेट्स अभी। आप लोग सब शायद कुछ लोग जानते होंगे बेदार को, बेदार के नाम से वाकिफ होंगे, उनका रेट हमसे भी ज्यादा हाई होता है। बट उनके क्लाइंट्स मैंने देखे हैं, क्या इंग्लिश क्लाइंट है, क्या लेवल का क्लाइंट है। मैंने उनके उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं मेरी, रोड पे मैंने उनके ट्रिप्स देखे हैं। तो जब आप क्लाइंट के मतलब गाड़ी के पास से गुजरते हैं और आप लोगों से मिलते हैं, तो वो लाइक ये नहीं होता कि किसको आया था, मैं शकरगढ़ आया था, मैं नूरकोट आया था, मैं कचेश दरे से आया हूँ। वो भाई ऑडियंस ही कुछ और है, उसका लेवल ही कुछ और है, उसकी मेंटेलिटी कुछ और है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आप एक अच्छा रेट रखेंगे, यस स्टार्ट में हमें बड़ी डिफिकल्टीज हुई, हमने 6 डेज चलाया, पहले हमने 5 डेज चलाया पिछले 3 साल, उसको हमने सक्सेसफुल किया। इस साल हम लोगों ने 6 डेज चलाया ओनली फॉर कपल हनीमून, हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ था ये डिसीजन लिया हमने और इसको चलाया, इसको कामयाब किया। हम लोगों ने कोस्टर्स निकाली, सिंगल टूर, थैंक यू सो मच, सिंगल कपल था हमारे पास, हम लोगों ने जो है ना करोला पे भी निकाले। किस वजह से निकाले? बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ बजट टू, जिसे आप कहते हैं कि टू बर्न, हमारे पास बजट था, हम बर्न कर सकते थे, हमारे पास पैसा था, हम लगा सकते थे, हमने चार्ज इतना किया हुआ था कि हम अच्छा चार्ज करके अच्छा उसको सर्विस दे सकते थे। तो हमें करोला में भी उसको करवाने में कोई हर्ज नहीं था, तो उस तरीके से भी हमने करवाए। तो हमने इस साल बर्निंग की, पैसा बर्न किया। तो ये बर्निंग की जो वो है केस स्टडी है, ये मैंने तब ली जब मैं बुकमी को, मैं बड़े अरसे से जानता हूँ बुकमी को, मैं तब से जानता हूँ जब बुकमी का एक छोटा सा दफ्तर होता था, आई थिंक कोई 100 फिट का ऑफिस था उनका, 10x10 square feet का उनका ऑफिस था, तब से मैं उनको जानता हूँ। और उन्होंने कैश अच्छा खासा बर्न किया टिकटिंग में आके। मैंने उसके सीईओ से बात की कि आप ये किस तरीके से कर रहे हैं कि एक टिकट हमें मार्केट से 250 रुपए की मिलती है सिनेमा से, तो आप घर पहुंचा के उस टिकट को 150 रुपए में कैसे डिलीवर कर रहे हैं? यानी आपकी राइडिंग की कॉस्ट भी है, आपने वहां से लेनी भी है, कॉलिंग भी है, आपने CSR भी बिठाए हुए हैं, ऑफिस कॉस्ट भी है, सारी चीजें कैसे मैनेज कर रहे हैं? उसने मुझे सिंपल एक जवाब दिया कि वी आर बर्निंग द कैश राइट नाउ, ठीक है, जो अमेज़न ने किया, जो डिफरेंट और कंपनीज ने किया। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब आप मार्केट में आते हैं तो यू नीड टू चेंज द मेंटेलिटी। आप अपने आप को, लोग जिस तरीके से भी, जो नए टूर ऑपरेटर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, अपने टेस्ट को चेंज करें, अपने आप को बदलें थोड़ा सा और अपने लर्निंग के ऊपर काम करें ताकि बेहतर ट्रिप्स करवा सकें, बेहतर एग्जीक्यूट करवा सकें। एंड इट्स ऑल अबाउट सर्विस। अगर देखें हम सर्विस इंडस्ट्री में ना हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, टेंजिबल प्रोडक्ट तो हमारे पास है कोई नहीं है, इज इट सो? हमारे पास टेंजिबल प्रोडक्ट कोई नहीं है ना, मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ भाई ये मेरे पास कार्ड है दे विच है या इसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी है, इसकी ये बड़ी अच्छी है, मेरे पास सर्विस है। तो सर्विस कोई बंदा लेगा तो उसको पता चलेगा कि सर्विस कैसी है, क्या ख्याल है? आई होप आप लोग एग्री करते हैं मेरे साथ। तो जब टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, सर्विस है, तो सर्विस जब तक क्लाइंट जाएगा नहीं उसको पता नहीं चलेगा। तो सर्विस दिखाना भी एक काम है भाई, प्रेजेंटेशन भी एक काम है, आपने दिखाना है उसको कि भाई मैं आपको, मेरा ये विजन है, मैं यहां तक आपको लेके जा सकता हूं, ठीक है। आप उसको दिखा रहे हो जिस तरीके से यूसुफ भाई ने बात की, अताब भाई ने बात की, भाई का नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने बताया, ताहिर भाई ने, तो मतलब ये इनका विजन है। मतलब यूसुफ भाई ने जिस तरीके से कगान को एक्सप्लेन किया है, मतलब मुझे खुद क्रेज हो रहा है कि भाई मुझे भी विजिट करना चाहिए, मुझे भी इन जगहों पर जाना है। तो ये विजन है, ये जब तक आप क्लाइंट को दिखाएंगे नहीं, क्लाइंट को बताएंगे नहीं, आपने अपने खेलना है अपनी सर्विसेज के ऊपर। आप अपनी सर्विसेज के ऊपर प्ले नहीं करेंगे, आप अपने प्राइस वॉर में लग जाएंगे, तो प्राइस वॉर तो भाई आज आप 10 का लगा रहे हैं, कल 9500 का कोई लगा देगा, आज 9500 का आप लगाए कोई 8 में उठ के आ जाएगा, ठीक है, और आप 8 में लगाए कोई 6500 में भी ले आएगा। तो प्राइस वॉर ना करें, सर्विस वॉर करें, सर्विस वॉर करेंगे तो ही आई थिंक कुछ बेहतर होगा और एक अच्छा बिजनेस और एक अच्छा ब्रांड बिल्ड हो सकता है। आई होप कि मैंने आप लोगों को मेरे छोटे से थोड़े से एक्सपीरियंस से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ है तो उसके लिए मैं बड़ा माजरत चाहूंगा। जो हमारे यहाँ एक चीज ये होती है ना कि भी रेट बतावे तो विकता नहीं है, गलत साबित कर।